25 वर्षीय महिला के साथ किया दुष्कर्म। पुलिस ने जांच कर किया मामला दर्ज। बीते रात की घटना, पति ने की कड़ी सजा की मांग। देश में दुष्कर्म की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला ग्यारसपुर थाना अंतर्गत ग्राम मिर्गावली में 25 वर्षीय महिला के साथ आधी रात्रि में दुष्कर्म हुआ है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर 376-450 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। डीएसपी आकांक्षा जैन ने बताया कि पीड़ित महिला के बयान लेकर मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि ग्राम के 45 वर्षीय व्यक्ति ने अकेला जानकर रात्रि में घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता के चीखने चिल्लाने पर दूसरे कमरे में सो रहे उनके पति आ जाने के कारण आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने आरोपी को दबोच लिया। सूचना पर डायल 100 टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। पीड़िता के पति ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए एवं निष्पक्ष जांच की मांग की है। इंडिया खबर लाइव के लिए ग्यारसपुर से शुभम मिश्रा की एक रिपोर्ट। दिल्ली में काम पर गया था तो लेट आया थोड़ा, सुबह गैया बयान बारी थी, गैया बछड़ा होने वाला था, वहाँ वहाँ बस हो गया, थके होने के कारण नींद लग गई। थोड़ी देर बाद ये चिल्ला नहीं कमरा में सो रही थी, थोड़ी 10-15 मिनट की दूरी पर मैं गया, गया तो वो नारायण सिंह गांधी उससे वही चिल्लाया, उसमें मार के भगने लगा, फिर मेरे मेरे भाई पकड़ लिया उसे, जितनी सजा दे सके, हम गरीब लोग हमें कुछ कर ही ना पाएंगे, पैसे फेंक देगा वो तो बड़े बड़े रिश्तेदार हैं, बताऊं क्या करना, अकेले सामान के हम तो उनकी मैम। आज जो मामला आया है जो 376 से संबंधित बताया जा रहा है, पूरा क्या मामला है? हमारे पास कल ही रात की घटना है, थाना प्रभारी को 10 बजे से 12 बजे के बीच की ये घटना है कल रात की। जैसे ही हमें पता चला कि महिला जब आई अपने पति के साथ रिपोर्ट लिखवाने के लिए, हमें जिस प्रकार उसने सूचना दी कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, हमने तत्काल आरोपी की खोज में यहाँ से टीम रवाना की और हमने आरोपी को गिरफ्तार कर भी लिया है और हमने आज सुबह मुकदमा पंजीबद्ध किया है 376 और धारा 450 का, और पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी हमारे द्वारा। अभी इस केस में जो सबसे बड़ी धारा है वो हमने लगाई है, इसके अलावा अगर हम कई जिस प्रकार जो अपराध हुआ है उसके साथ अगर हम वही लगाते हैं तो उसका ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, अगर हम कोई अन्य धारा लगाएंगे तो उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए हम एक मतलब जैसा कि हमारा काम है तो हम एक एक्चुअल कार्रवाई करना चाहते हैं और जिस प्रकार संभव हो तो हम हर प्रयास करेंगे कि पीड़िता के साथ न्याय हो और आगे ऐसी कोई घटनाएं ना हो, इसके लिए भी हम निरंतर समाज में प्रयास करेंगे और अवेयरनेस फैलाने के भी काम करेंगे। पीड़िता ज़्यादा अभी सदमे से गुजर रही है, चूँकि कल रात की ही घटना है, जब हम आगे उसके बयान लेंगे तब अगर हमारे समक्ष कोई ऐसी बात आती है तब हम धाराओं में इजाफा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो स्थिति बनती है, अभी जिस प्रकार पीड़िता ने जो अपने बयान दिए हैं तो अभी की स्थिति में यही दो धाराएं बनती हैं। साथ ही जो पूरा घटनाक्रम है वो कहाँ पे घटित हुआ है, उसके घर पे हुआ है और किस तरीके से हुआ है? ये जो पूरा घटनाक्रम है ये ग्राम मृगावली में उसके घर में ही घटित हुआ है। जो पीड़िता एक अलग जगह पे सो रही थी और उसका जो पति है वो अलग एक गाय का बच्चा होने वाला था तो वो एक अलग जगह पे सो रहा था। जैसे ही उस पीड़िता ने चिल्लाया तो उसका पति 10-15 फीट की दूरी पे था, तो जैसे ही उसको पता चला तो वैसे ही आरोपी उसको खोला उसने गेट और आरोपी भाग गया। तो आरोपी क्या उसी ग्राम का निवासी है? आरोपी भी उसी ग्राम का निवासी, मृगावली ग्राम का।